कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि दीदी एग्जाम में हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें जिससे हम अधिक से अधिक क्वेश्चन और कम समय में कर सकें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कैसे कर सकें। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था, 41,520 और 49,568 दोनों में मेरा पेपर क्वालिफाई हुआ था और फर्स्ट मेरिट में मेरा नंबर आया था। तो मैंने किस प्रकार से एग्जाम टाइम में टाइम मैनेजमेंट किया था और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे किए थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 150 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट में आपको करने होते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, जिनको करने में काफ़ी टाइम खराब होता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको करने में आपको लगभग एक क्वेश्चन करने में आपको लगभग 15 मिनट का समय लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को छोड़ना ही एक उचित रहेगा, ऐसे प्रश्न को छोड़ना ही उचित रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 150 प्रश्न 120 मिनट में करने पड़ते हैं, जिसमें जीएस में आते हैं आपके 38 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट करें जो आपका सबसे अच्छा है। अगर आपकी हिंदी सबसे अच्छी है तो सबसे पहले हिंदी करें, अगर रीजनिंग सबसे अच्छी है तो रीजनिंग करें। और क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको आता है वो सबसे पहले करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होंगे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो जो क्वेश्चन आपको आते नहीं होंगे वो भी कॉन्फिडेंस में आपके सही हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप सदैव वो सब्जेक्ट चूज करना जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आता है। मैंने तो हिंदी सबसे पहले की थी, उसके बाद मैंने रीजनिंग की थी, फिर जीएस की थी, उसके बाद मैंने मैथ, सबसे बाद में मैंने मैथ किया था, क्योंकि मेरा मैथ, मुझे पता था कि 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, इसलिए मेरी प्रॉपर बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं थी मैथ की। 49,568 में 41,520 में मैंने मैथ की अच्छे से तैयारी की थी, बाकी रनिंग में फेल होने की वजह से मैं 49,568 में सिलेक्ट हुई हूँ। तो मैं 49,568 में मैं एक पेपर पहले ही मैं दे चुकी थी, तो मुझे पता था कि 41 के यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, तो मैं प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले इतना ही मैंने किया था, कुछ बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं किया था कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूँ और मैथ में एसएससी सीजीएल के लेवल का करूँ, तो ये तो एकदम मूर्खता होगी ना। तो आप लोग 15 दिन का समय बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन पर फोकस कीजिए और सबसे पहले वो सब्जेक्ट सॉल्व करिए जो आपको आता है, हिंदी करिए सबसे पहले। और हिंदी को सॉल्व करने का समय आपको आपको होना चाहिए लगभग 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में आपको ओएमआर सीट भी भरनी है और ओएमआर सीट साथ में ही भरनी है। कोई भी विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी एग्जाम देंगे, वो बाद के लिए ओएमआर सीट नहीं छोड़ेंगे कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करें फिर बाद में हम ओएमआर भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन टाइम खत्म होने की वजह से ओएमआर सीट नहीं भर पाते और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप क्वेश्चन करने के साथ साथ ओएमआर सीट भरते जाएं साथ साथ में, नहीं तो बाद में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आप आंसर लगा ही नहीं पाते हैं। मेरे साथ में भी हुआ था ऐसा 41,520 में, मेरे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं जिनका आंसर भरना ही भूल गई थी, जबकि वो मुझे आते थे। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें, जो गलती मैंने की है वो आप लोग गलती ना करें, और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और अपने अनुभव से ही सीखता है। तो मैं 2-2 एग्जाम में बैठ चुकी हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के, तो आप लोगों से ज़्यादा तो मुझे अनुभव होगा ही उस चीज़ का, और मैं क्वालिफाई भी की हूँ। तो बस उसी बेस पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट करें। तो चलिए मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दे रही हूँ, आप लोग हिंदी के 37 क्वेश्चन करने के लिए आप लोग लगभग 10 से 15 मिनट लीजिए और इसी टाइम में आपको ओएमआर भरनी है। रीजनिंग के लिए आप लगभग 45 से 50 मिनट में आप 55 क्वेश्चन कर लेंगे, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं जिनमें ज़्यादा समय लग जाता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका देखते ही आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार आप सॉल्व करिए, और आप जीएस के लिए लगभग 20 से 25 मिनट लीजिए, जीएस के 38 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप 20 से 25 मिनट में आराम से हो जाएगी। और मैथ के लिए आप लोगों के पास इतना समय निकालने के बाद मैथ के लिए लगभग आपके पास 18 से 20 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 30 मिनट का समय होगा और प्रॉपर सोचने का समय मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग अच्छे से जो क्वेश्चन नहीं आपको आ रहे होंगे वो भी आपको हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम होगा।
अगर आप लोगों को मैथ आसान लगता है तो वो पहले करिए, लेकिन सदैव पहले वही सब्जेक्ट करना जो आपको आता है और जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी अगर अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। तो स्टार्टिंग अच्छी करनी है आपको पेपर में, और कभी भी ऐसा सब्जेक्ट चूज नहीं करना जो आपको नहीं आता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे वो भी रह जाएंगे, और आपके मन में एक ख्वाब आ जाएगा, एक ख्याल आ जाएगा कि हमारा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं इस पेपर में, तो हमें कुछ आता नहीं है। जबकि ये सत्य नहीं है, आपको पेपर आता है, आपने वर्षों से मेहनत की है और महीनों से मेहनत की है, तो वही सब आ रहा है पेपर में, कुछ अलग से तो आएगा नहीं पेपर में, तो डरने की क्या आवश्यकता है। पेपर पूर्ण कॉन्फिडेंस से देना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उनके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि ये एग्जाम तो हम क्वालिफाई कर ही लेंगे, बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चन हो रहे हैं लगभग 120 सही, 240, 230 नंबर आ रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट में, लेकिन अंत समय में आपका कॉन्फिडेंस लो है एग्जाम मेन एग्जाम में, तो आपका स्कोर कैसे अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट चूज करिए जो आपको आता है, वो उससे पहले करिए, जो नहीं आते हैं उन्हें बाद के लिए करिए। और आपको ओएमआर सीट के गोले भी समय पे भरने हैं, तो जो विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं वो लगाते रहिए, और जो लगाना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक खरीदे नहीं है वो लोग चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इसमें 8 सॉल्व पेपर और 15 अनसॉल्व पेपर दे रखे हैं, विस्तृत व्याख्या दे रखी है, आप लोग लगा सकते हैं, काफी अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं। और ये चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड भी ले सकते हैं, नवीनतम करंट अफेयर पे आधारित है, 3000+% दे रखे हैं, तो आप लोग ले सकते हैं, काफी अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं। और अभी ये आपका समय है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने का, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि PYQs लगाइए, सबसे ज्यादा PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, हिंदी के रिपीट होते हैं, मैथ्स के रिपीट होते हैं, रीजनिंग के रिपीट होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। आपके पास लगभग 15 दिनों का समय बचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रत्येक सब्जेक्ट को 2-2 बार रिवीजन कर लीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, 15-15, 16-16 घंटे पढ़िए, क्योंकि यही लास्ट समय है और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। निरंतर मेहनत करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, एक सीट हर हाल में लेनी है, और एक सीट लेनी है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों ऐसे विद्यार्थियों का देखा है जिन्होंने अपने मन में ये धारणा बना लिया है कि हम पहले से नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ने से क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, तो ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन पर ध्यान दीजिए, और मैं जैसे बताई हूँ अगर वैसे आप लोग करेंगे तो 120 मिनट में आप 150% कर पाएंगे सॉल्व, और आपका सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना होगी। तो मन में कॉन्फिडेंस रखिए, घबराइए मत। मुझे पता है मेरा भी 41520 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, कोई किसी भी एग्जाम का फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा फाइनल फर्स्ट मेरिट में नंबर आया था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो सकता है, लेकिन मैं रनिंग में फेल हो गई थी। तो आप लोग भी कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर कि हाँ हम कर सकते हैं, अगर हम नहीं कर सकते हैं तो कोई नहीं कर सकता है। ये अगर ये मन में विश्वास है कि हमारा सिलेक्शन 100% होगा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मन में किसी भी नकारात्मक भाव मत आने दीजिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, फॉर्म 50 लाख है, हमेशा सकारात्मक सोचिए, क्योंकि सकारात्मक जब सोचेंगे तभी तो सकारात्मक होगा आपके साथ में, जब नकारात्मक ही सोच लेंगे तो कैसे सकारात्मक हो सकता है, आप ही सोचिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, 15 दिन बचे हैं, दिन रात एक कर दीजिए, कहीं पे मत जाइए, एक कमरे में बंद कर लीजिए, बस 15 दिन की बात है, यही 15 दिन आपको सफलता दिलाएंगे। तो निरंतर अपनी मेहनत करते रहिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय हिंद।